फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के एरर्स के कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं। तो देखिए, पहले मैंने इसमें रूल्स लिखवाए थे आपको, तो उसी के आधार पर मैं आपको कुछ इसमें सेंटेंसेस कुछ ये करवा रहा हूं। देखिए, पहला दे रखा है द मैन विच वाज प्लेइंग द रोल ऑफ सिद्धार्थ वाज आवर नेबर्स। तो फर्स्ट लाइन में एक गलती होगी, द मैन विच वाज प्लेइंग द रोल। देखिए, यहाँ मैन है द मैन, और विच कभी भी देखिए मैंने रूल्स लिखवा रखा है कि हमेशा जो लिविंग थिंग्स है उसके लिए हु आता है, विच नहीं आता है। तो इनकरेक्ट इसके अंदर क्या है, ये विच है, और विच की जगह क्या आ जाएगा, हु। तो सेकंड आपके पास है रोल ऑफ सिद्धार्थ वाज अवर नेबर हर। तो देखिए, हर ये किसके लिए आया हुआ है, मैन के लिए। तो मैन के लिए हर कभी नहीं आता, ये हमेशा वुमेन्स के लिए आता है हर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हर गलत है, और हर की जगह क्या आ जाएगा, हिज। तीसरी लाइन में आपका क्या रखा है, वाइफ वाज ए डॉक्टर ऑन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर नहीं है, ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर, तो ऑन गलत है। यहाँ पर ऑन की जगह आ जाएगा आपका इन, अस्पताल के अंदर है ना, तो यहाँ पर इन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ये, हिज फादर वाज ए एमपी। एमपी मैंने आपको इसमें रूल्स लिखवाया हुआ है, एमपी का मतलब होता है एम और ये पी। तो यहाँ पर ध्वनि किसकी आ रही है, ए की में आ रही है। तो यहाँ पर मैंने आपको रूल्स लिखवाया हुआ है कि यहाँ पर ए की जगह एन आएगा, तो यहाँ ए नहीं आएगा, इसकी जगह एन आएगा। तो स्टूडेंट से दूसरा क्वेश्चन है आपका, वंस ए ओल्ड लेडी। तो यहाँ पर देखिए, जब ओल्ड है, ओल्ड से पहले ए नहीं आता है, क्योंकि ओल्ड में आपका जो है ये ओ वोवल्स भी है और इसमें ध्वनि भी ओ की आ रही है, तो ए नहीं आएगा, ए की जगह आपका एन आ जाएगा। तो दूसरा देखिए, वाज सिटिंग इन ए बेंच। बेंच के अंदर थोड़ी ना बैठी है वो, इन का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर, तो बेंच के ऊपर बैठी है, तो यहाँ इन की जगह आ जाएगा ऑन। तीसरे में है सी इज मेकिंग पिकल्स। सेंटेंस ये पास्ट टेंस में है क्योंकि यहाँ वंस आ चुका है, तो इज नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, वाज। नेक्स्ट दे रखा है हर मदर हु वाज वाचिंग वाच। मैंने एक रूल्स लिखवाया था आपको, वाज या वर के बाद, इज एम आर के बाद, विल बी या शैल बी के बाद, अगर वर्ब की फॉर्म दी हुई हो फर्स्ट फॉर्म, तो उसके साथ आई एन जी लगता है, तो यहाँ पर वाच नहीं आएगा, वाच की जगह आ जाएगा वाचिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि वाचिंग हर आस्क, क्योंकि पास्ट टेंस चल रहा है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं आती है उसमें, तो आस्क की जगह आ जाएगा आपका आस्क्ड। नेक्स्ट देखिए, शी कुड गिव हिम सम पिकल्स। तो यहाँ पर लेडीज़ की बात हो रही है, तो यहाँ हिम नहीं आएगा, हिम की जगह आ जाएगा हर। फ्रेंड्स, मैं कुछ सेंटेंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आप इन सेंटेंस को कीजिए और ये आपको अच्छी तरह आ जाएंगे सारे रूल्स। आप इसके, अगर आपको इसके रूल्स के बारे में किसी ने नहीं देखा है, तो मेरी वीडियो रूल्स की है, तो उसे आराम से आप देख लेना। तो ये एक सेंटेंस है, इसको आप बनाइए, और एक इसको आप बनाइए, ठीक है, ओके।